आज मैं खड़ा हूँ नीम के पेड़ के पास, और ये नीम को जो नीम हमने दातून में उपयोग किया है और हमारे एग्रीकल्चर में इसके फफूंद नाशी के स्प्रे बनाए जाते हैं इसके टहनियों से, इसके पत्तों से, और आपके पूरे के पूरे हरियाणा में ये हर जगह जहाँ जहाँ भी नीम के पेड़ दिखेंगे आपको सूखे हुए मिलेंगे। ये डाइबैक डिजीज़ का शिकार हो चुके हैं, ये इनको बचाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमें अपने पूरे राज्य के अंदर कोई भी नीम का पेड़ नहीं मिलेगा। क्या है ये? एक फफूंद होती है जिसको फोमोप्सिस एजाइटी रास्टे बोला जाता है, और ये फफूंद जहाँ पे भी अटैक करती है, स्टार्टिंग में मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, शुरुआती टाइम में हल्के हल्के थोड़े थोड़े से पोर्शन में इसकी जगह पे ये ग्रीन रहते हैं और सूखने लग जाते हैं साइड से, और जहाँ जहाँ से सूखते हैं उसको, उस टहनी को काट के और उसको ट्रीट किया जाता है किसी भी फंगी साइड से, और जब तक ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं होगी, तो ये इनको बचाना असंभव होता है। पहले भी आंध्र प्रदेश वगैरह राज्य में, आसपास के राज्य में ये चीज़ आ चुकी है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो भी भाई किसान भाई हो या चाहे कोई शहर में रहता है, जिसके भी संपर्क में ये वीडियो आए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन इनको बचा सके। धन्यवाद।